के तो सामने इमरान खान खड़ा हुआ और वो मिला और इतना खूबसूरत, इतना हैंडसम, और एक मतलब उस जमाने में बिल्कुल ये वो स्टार्ट था इसकी सियासत का। हमने खान को इस तरह से हमेशा देखा है कि जैसे कोई देवता है, अकीदत होती है, जैसे मोहब्बत होती है एक बाप से, एक भाई से। खान साहब ये क्या किया आपने जलसों पे? जाऊं मैं आपका, आज तक मैंने कोई जलसा नहीं छोड़ा है, पर अभी आपका जो कुछ दिन पहले जलसा गुजरा है, मैं वहां पर कितने बुरे तरीके से गिरी हूँ। ये वाली जो मेरी है ना रिब पसली, इस पे चोट लगी है। ऑटोग्राफ का हक मेरा बनता था, बुलाने का हक मेरा बनता था, लेकिन आपने किसको बुला लिया? अब्बू को। जो पसली है, जो इसको रिब कहते हैं, फ्रैक्चर हुई है, और लेकिन उस वक्त इसके बारे में नहीं पता चला था। पेन बहुत रही है, बहुत ज़्यादा रही, और बॉडी में जगह जगह जो है वो मुझे चोटें भी आईं, मुझे खून भी निकला, कपड़े भी मेरे फट गए, और बड़े हम परेशान भी हुए। लेकिन अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान रिज़वान, और आप देख रहे हो जानिए पाकिस्तान। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में अबू बकर की एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिस पर खान साहब ने उनकी कमीज़ पर सिग्नेचर कर डाले। उससे ये जो औरत मेरे साथ मौजूद है नाज़रीन, ये ऐसे गुस्से में आई, ऐसी सैड हुई कि इन्होंने अपना कैमरा निकाला, अपने मोबाइल का कैमरा ओपन किया और टिकटॉक वीडियो बना डाली, और जैसे ही टिकटॉक पर लगाती हैं तो रातों रात वायरल हो जाती है। जान लेते हैं ये सारे मामलात कैसे तय हुए, कैसे इनके जहन में आइडिया आया कि ये टिकटॉक वीडियो बनाएं और अपना एहसास दिलवाएं खान साहब को कि खान साहब मैं भी आपकी शेरनी हूँ, मैं भी आपकी जाली हूँ, मेरे से भी मिलने आइए। उसके बाद हम लोग आगे की तरफ आए हैं, बस खान साहब को देखना है। खान साहब के जो प्रोटोकॉल टीम आई है, और उसके तो मैं बाहर थी उस वक्त ना, मैं कैंटीन से कुछ ड्रिंक वगैरह लेने गई थी, क्योंकि रोज़ा था तो प्रॉपर इफ्तार नहीं हुआ था, तो भागे भागी आई हूँ कि जल्दी जल्दी अंदर जाके खान को कवर करना है, खान को देखना है। वो स्टेज की ना एक जगह थी जहाँ से वो खान साहब बहुत अच्छी तरह नज़र आ सकते थे, तो उसमें फिर एक रास्ता जो कि ऐवें ही वक्ती तौर पर बनाया गया था, उसको फलांगी हूँ और फिर वहाँ से गिरी हूँ बहुत बुरे तरीके से। एक बहुत बड़ा गड़ा था, मेरे ख्याल में 6 फुट का, उसके अंदर गिरी हूँ। उधर मशीनें पड़ी हुई थी बहुत सारी, मोटर थी, ट्यूबवेल था, शुक्र है मैं उस पर नहीं गिरी। अच्छा, उस वक्त मैं यही कह रही हूँ कि शुक्र है मैं बच गई हूँ, ये मुझे बाद में पता लगा कि बची नहीं हूँ, लग गई हैं चोटें अच्छी खासी और फ्रैक्चर हो गया। तो ये पसली का फ्रैक्चर है, और डॉक्टर्स ने यही कहा कि क्योंकि आप मुस्तकिल काम करती रही हैं तो इस वजह से ये मज़ीद ख़राब हो गया, तो आपको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। यह है कि आपके जहन में ये आइडिया कैसे आ गया कि टिकटॉक बनानी चाहिए, एहसास दिलाना चाहिए कि मैं भी खान साहब हर जलसे में जाती हूँ, कभी किधर जलील हो रही हूँ, गिरी हूँ, मेरी पसली फ्रैक्चर हो गई है, ये सारे मामलात कैसे हैं? ये बड़ा पुराना ताल्लुक है, ताल्लुक मेरा कराची से है, मैं कराची में रहती रही, और वहाँ से जब हम लाहौर शिफ्ट हुए तो उस वक्त बड़ी दीवानगी थी कि इमरान खान साहब को देखना है। एक दफ़ा अब्बू ने कहा कि शौकत खानम चलते हैं, तो हम सारे, उस वक्त हम छोटे छोटे बच्चे थे, तो उस वक्त हमने तेल लगाया हुआ था तो ऑयलिंग बालों में की हुई थी, तो कहा कि नहीं उतार के जाएंगे, क्या क्यों वो थे इमरान खान ने तो नहीं आ जाना, हमने कहा क्या पता आ जाए, सामने के तो सामने इमरान खान खड़ा हुआ और वो मिला और इतना खूबसूरत, इतना हैंडसम, और एक मतलब उस ज़माने में बिल्कुल ये वो स्टार्ट था इसकी सियासत का। इस बात को 25 साल हो गए, 25 साल पहले खान साहब को फॉलो करना शुरू किया, और उनकी हर बात पे जितनी दफ़ा मैं कहती हूँ कि मतलब मैं कहती हूँ कि वो कोई भी बात कहते थे तो हम लोग कहते थे कि बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और हम उसके साथ चल पड़ते थे। खान साहब पहली दफ़ा जब ज़िंदगी में वोट दिया, खान साहब को दिया, हर दफ़ा यही हुआ। 20-25 साल का अरसा थोड़ा नहीं होता, और मेरे ख्याल में इतनी तो उम्र भी नहीं है अबू बकर साहब की, तो छोटे से बच्चे हैं, बहुत क्यूट हैं। जब उनकी वीडियो देखी बहुत अच्छा लगा, बड़ा क्यूट बच्चा लगा, और उसको देख कर जब वो रोया, जब उसने दिल को पकड़ के ऊंची ऊंची सांस ले रहा है और दिल घबरा रहा है, तो मुझे ऐसे ना लगा कि जैसे कि सीन मैंने देखा हुआ है। और वो ये सीन कब हुआ कि जब मैं चेयरमैन सेक्रेटेरिएट जाती थी इमरान खान साहब को देखने के लिए, मिलने के लिए और काम करने के लिए, हम वहाँ पे एक ऐसे शोबे से वाबस्ता थी कि वहाँ पे कर रही थी काम, तो उस वक्त खान साहब को देख के मेरी भी यही हालत होती थी, मुझे ये लगता था कि मैं भी मतलब लाइक अभी धड़ से गिरूंगी और बेहोश हो जाऊंगी। अच्छा, बहुत सारे लोग इर्द गिर्द मेरे जानने वाले होते थे जो मुझे खान साहब से मिलवा भी सकते थे, लेकिन मैंने कभी कोशिश नहीं की क्योंकि हिम्मत ही नहीं पड़ी। हमने खान को इस तरह से हमेशा देखा है कि जैसे कोई देवता है, अकीदत होती है, जैसे मोहब्बत होती है एक बाप से, एक भाई से, हो सकता है, लेकिन कभी वो कहते हैं ना ज़ुबान पर ही नहीं ये बात आई कि खान साहब को मिलने के बारे में बात भी करूं। जब मैंने वीडियो देखी टिकटॉक पर तो एकदम से वो कहते हैं ना, बस मेरे ना दिमाग में जब भी कोई बात आती है तो बस मैं कह देती हूँ और कर जाती हूँ, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ज़रा एक मिनट कैमरा तो ऑन करें, उन्होंने कैमरा ऑन किया और वो मेरे टिकटॉक के बड़े शदीद ख़िलाफ़ हैं, तो मैंने क्या किया कि मैंने फ़ौरन ना उस कैमरे पर एक वीडियो बनाई और मैंने उसमें कहा कि खान साहब
अकीदत तो मुझे भी है, मोहब्बत तो मुझे भी है। और अभी जो लास्ट जलसा गुजरा लाहौर में, तो आई वॉज देयर और मैंने वहाँ पर खान साहब को देखने के लिए जी आगे जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं वो, तो मैं बड़ी बुरे तरीके से वहाँ पर गिर गई, मुझे काफ़ी चोट वगैरह लगी, मुझे मतलब लाइक ये मेरी जो पसली है जो इसको रिब कहते हैं फ्रैक्चर हुई है, और लेकिन उस वक्त इसके बारे में नहीं पता चला था। पेन बहुत रही है, बहुत ज़्यादा रही, और बॉडी में जगह जगह जो है वो मुझे चोटें भी आईं, मुझे खून भी निकला, कपड़े भी मेरे फट गए और बड़े हम परेशान भी हुए। लेकिन ये कि बाद में जब आफ्टर इफेक्ट्स आने शुरू हुए तो मैंने कहा यार मैंने आपकी खातिर इतनी चोट लगवाई, इतनी ज़ख्मी भी हुई, मैं आपके जलसों में जाती हूँ, हर जलसे में, कौन सा ऐसा जलसा है, करतबा चौक की रैली हो गई, मीनार पाकिस्तान का जलसा हो गया, मैं जो पिछला वाला था सबसे पहला, फिर उसके बाद ये कि अड्डा प्लॉट का जलसा हो गया, इस्लामाबाद का धरना हो गया, कौन सी ऐसी जगह जहाँ नहीं गए, जहाँ खान साहब के पीछे पीछे उन्हें फॉलो नहीं किया। तो बुलाया तो अबू बकर को, ऑटोग्राफ दिया तो अबू बकर को, मैं भी ऑटोग्राफ की दावेदार हूँ, हकदार हूँ, मेरे समेत और भी बहुत सारे पीटीआई के फॉलोअर्स हैं, तो बहुत सारों ने मेरी टिकटॉक जब वायरल हुई जो मैंने बनाई, तो उसके ऊपर बाकायदा यही लिखा हुआ है कि हमारी दुआ है कि आप जाएँ वहाँ पर और हमारा भी पैगाम दे दीजिएगा कि हम भी आपके फॉलोअर हैं। अच्छा मैम बताइएगा, जब आप गिरी हैं कि उसके बाद एक वीडियो वायरल हो रही है कि एक नौजवान जो है आपका कोई कलीग्स जो आपको गाड़ी से हाथ पकड़ के ऊपर चढ़ा रहा है, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, उसके बाद मेरे प्रोड्यूसर साहब ने मुझे कहा कि बड़ी मेरी हेल्प की, मेरे साथ जितने भी लोग थे मेरे कुलीग्स थे उन्होंने मुझे बल्कि साथ साथ रखा, और आपको पता है जलसों में नॉर्मली ऐसे होता है कि कुछ मंचले आ जाते हैं जो बदतमीज़ी भी करते हैं, तो मेरी टीम ने पूरी कोशिश की कि मुझे कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो, तो मुझे दोस्तों ने इशारा किया कि ऊपर आ जाओ, मैंने कहा ठीक है मैं आती हूँ। जब मैं ऊपर चढ़ने लगी हूँ तो मैं तो चढ़ ही नहीं सकी, घुटने पे भी चोट है, उधर से भी खून बह रहा है, हाथों पे पाँव पे हर जगह वो अच्छी खासी जो है वो चोटें थी, खराशें थी, नहीं जा सकी। खान साहब के साथ इतनी अकीदत है ना, अंदर से जो जज्बा है जुनून वो चीज़ें कह रही हैं कि सिर्फ एक नज़र देखना है। खान साहब ये भी आपकी वो जालियाँ हैं, उनमें इन्हें भी शामिल किया जाए, जैसे अबू बकर को प्यार मिला, जैसे उसको आपने अपने पास बुलाया, इसी तरह इनको भी किसी न किसी जगह पर बुला के इनके साथ मीटअप किया जाए और 5 मिनट इनको भी दिया जाइए, इनकी बहुत अंदरूनी जो ख्वाहिशात हैं।